मामला क्या है कि ग्राम पंचायत नारायणपुर के कुछ ग्रामवासियों ने कल माननीय जिला प्रमुख जी को लिखित में शिकायत दी थी कि साहब हमारे गांव में कोई गैर बुकिंग नदी आम रास्ता है, उस पर कुछ लोग अतिक्रमण करके आम रास्ते को बंद करते हैं, दुकानों का निर्माण करते हैं। उस शिकायत की जांच करने के लिए हमें मौके पर आए हैं। मौके पर हमने देखा है कि यहाँ दुकानों का काम चल रहा है, जो उसके हमने नाप तोल कर ली। पटवारी अलका और कानूगुरु जी हमारे साथ हैं। इसकी सीमा जान करने से पता लगेगा कि वास्तव में रास्ते में है या इनकी खातिरदारी में, जैसा कि लोग बता रहे हैं। जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, या क्या पोजीशन के आधार पर दिया गया है कि या वैसे तो हवाई पट्टा दिया गया है? सीमा जान होने से पता लगेगा और ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड हमें मिलेंगे, देखेंगे कि ग्राम पंचायत ने जो पट्टा दिया वास्तव में विधि रूप से दिया गया है कि नहीं दिया। ग्राम पंचायत पोजीशन के आधार पर पट्टा जारी करती है। हाँ, क्या मौके पर यहाँ पोजीशन कुछ आपको नजर आ रही है जांच के अंदर? ये तो सीमा ज्ञान से पता पड़ेगा ना, जहाँ जिस जगह का पट्टा जो दिया है। पुराना निर्माण के पोजीशन, जो भी कच्चा या पक्का जो भी मकान होता है, हाँ, उसी का पट्टा जारी किया जाता है। पट्टा तो भूखंड का भी देती है ग्राम पंचायत, तो उस आधार पर क्या यहाँ आपको नजर आ रहा है ये? नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये पहले की क्या लोकेशन थी, क्योंकि वर्तमान में निर्माणाधीन है दुकानें, तो इसकी पहले की लोकेशन का भी हमें पता नहीं है कि यहाँ पहले क्या था। वो तो ग्राम पंचायत बताएगी, उन्होंने भूखंड का दिया है या कोई कच्चे पक्के आवास का दिया है। तो आपके हिसाब से इसको अब क्या माना जा रहा है, काम को रोका जा रहा है या निर्माण जारी रहेगा? ये हमसे जो रिपोर्ट मांगी गई है, हम रिपोर्ट देंगे माननीय जिला प्रमुख जी को और इसके सीमा ज्ञान करा करके इसके प्रॉपर तरीके से देखें। अगर ये अवैधानिक है तो इसको हम काम को रुकवाएंगे।